अच्छा, अगर आप कभी इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करेंगे? मैं बताऊं साउथ इंडिया, तमिलनाडु। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे हमारे नेबर्स हैं वो, और अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हर एक के अपने इंडियन, आपकी इंडियन ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों का कल्चर, ट्रेडिशंस, कपड़े, खाने, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। साड़ियाँ, पहले मुझे शौक होता था कि मैं यूरोप जाऊँ, कनाडा जाऊँ या इधर उधर जाऊँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया जाकर ट्रैवल करूँ और यहाँ वहाँ पे जाकर जरा एक्सप्लोर करूँ। मुझे बताएं, इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? एक दफ़ा या दो दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक IMF से कर्जा नहीं लिया, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। आप देखिए, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका में बुरी वक्त आया, तुर्की में जब वो अर्थक्वेक आया, तो किस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हर कंट्री की मदद की। अब पाकिस्तान के साथ मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के ही नहीं रखी। तो दोस्तों, एक बार हम आ गए पाकिस्तान के बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। दोस्तों, सभी को बता दीजिए, पाकिस्तान के कुछ जो लोग हैं दोस्तों, वो इंडिया विजिट किए की करके और अपने पाकिस्तान वापस लौटे थे। तो इस पर पाकिस्तानी लोगों को वो क्या बताते हैं दोस्तों, उनका रिएक्शन इस वीडियो में देखेंगे। और 70 दोस्तों कंट्री, आप सभी को पता होगा, भारत से डिमांड कर रही है कि वो हमसे लेन देन करे। और पाकिस्तान का आप सभी को पता होगा किस तरह का माहौल चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक जो विजिट की थी भारत में, और पाकिस्तानी पब्लिक को क्या बताए दोस्तों, इस वीडियो में उनका रिएक्शन देखेंगे। चलो, वीडियो रिएक्शन देखते हैं उनका। बताएं, इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? एक दफ़ा या दो दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक IMF से कर्जा नहीं लिया, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। आप देखिए, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका में बुरी वक्त आया, तुर्की में जब वो अर्थक्वेक आया, तो किस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हर कंट्री की मदद की। अब पाकिस्तान के साथ मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के ही नहीं रखी। हमारे सियासतदानों ने हमेशा एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बात यह है कि हम कर्जा लेने का हमने एम सेट किया हुआ है कि भाई हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है। आपकी बनी बनाई फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद होगी, बांग्लादेश शिफ्ट होगी। अभी कह रहे थे कि 8 बजे जो है वो मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। तो आप बताएं, पहली कारोबार बंद है, ऊपर से आप 8 बजे मार्केट और ये कमर्शियल एरिया बंद कर रहे हैं, तो कारोबार तो ठप हो जाएगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको मल्टीपल दो जगह पे ब्रेक कर लेते हैं। पहली बात, आपने IMF की और आपने डेट बेस्ड इकोनॉमी की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही डेट डिपेंडेंट रहा है और दूसरी कंट्रियों से कंट्रीज से जो है हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी में घिरे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। कि पाकिस्तान का जो मेजर बजट आता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज तीन होते हैं ना डिफरेंट, एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है, या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है, या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है, सर हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया, गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। सर, इंडियन ऑडियंस आपको देख रही है, उनको भी मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहते हैं कि हम भी आपसे उतना प्यार करते हैं और हमको इतने खुदा ना खास्ता कोई बड़े लोग नहीं है। आप आए हमारे मुल्क में, आए हमें भी बुलाएं, वीजा नहीं देते इतने इतनी देर तक, तो आई थिंक ये खत्म होनी चाहिए। जो आपके मैसेज देंगे, हमारे पास आज भी वही 125 वही सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसका स्टिकर चेंज करके हमें दे दिया जाता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया के अंदर आज हर बड़ी बाइकिंग कंपनी का अपना प्लांट है, वो वहाँ पे वही बाइक लॉन्च होता है जो पूरी दुनिया में एट अ टाइम लॉन्च हो रहा होता है। जबकि पाकिस्तान में हम बस तस्वीरें देख के खुश हो रहे होते हैं या यूट्यूब पे देख के हसरत कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो सेम है, कल्चरल वैल्यू सेम है, हमारी ज्योग्राफिकल जो है वो भी, ज्योग्राफी भी सेम है, हमारी टोपोग्राफी सेम है। तो और हम लोग डिटैच हुए एक दूसरे से बाय बॉर्डर, लेकिन ओवरऑल हम लोगों के सारे ही जो है वो एक ही सब कॉन्टिनेंट है, पहले भी इकट्ठे ही थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी अबरार इंडिया घूमने गए थे, लाइक उन्होंने जो इमेज इंडिया का दिखाया, आपको लगता था कि इंडिया उनको इतना प्यार मिलेगा? इंडियंस भी अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान आएंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों ही कंट्री जो हैं वो एक दूसरे को, इवन हम किसी और थर्ड कंट्री में चले जाएं तो बड़े प्यार से इकट्ठे खाते भी हैं, बैठते भी हैं और सारा कुछ मामला चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अबरार भाई के मैंने व्लॉग्स में देखा है कि जितने भी उनके व्लॉग्स थे और कितने मिलनसार लोग वहाँ पर मिले हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हर्डल आई है तो लोगों ने वहाँ पर उनको उस हर्डल सॉल्यूशन निकाल के उनको दिया और उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया। इवन जब वो
उनकी बाइक आई है, दुबई से भी बाइक आई है, मुंबई आई थिंक आई है, जिस भी पोर्ट में आई है, तो वहाँ पर वो वहाँ का लोकल बंदा था जिसने उनकी हेल्प आउट किया वहाँ से बाइक जल्द से जल्द निकालने के, एक दिन का प्रोसेस था जो कि वो जल्दी निकाल लिया। मुझे लगता है कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट दिखाते हैं इससे पॉलिटिक्स तक है, असल में हम आपस में हम सब बहुत कनेक्टेड और काफ़ी हम लोगों में प्यार है। जो हमें बताया जाता है हमारे लाइक पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लाइक मैं तो खुद हैरान हो गया था। लेकिन देखें जब वो गए तो हमें तो नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज़ है, लोग इतना प्यार किए, हम लोग इतने इम्प्रेस हुए हैं देख के, और उन्होंने जो इवन आई थिंक इंडियंस भी बहुत खुश हुए होंगे उनको देख के। तो ये जो बाढ़ है पाकिस्तान और इंडिया में, लाइक दुनिया में किसी भी आप यूरोप कंट्रीज की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, ये बाढ़ कब खत्म होगी? लाइक आवाम तो यही चाहती है कि हमारा ये बाढ़ खत्म हो जाए, मिलता जुलता रहे। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस वॉर अब हम तो इस वॉर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। मे बी शायद क्या आप चाहती हैं इंडिया से हमारी सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए? बिल्कुल, मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए, बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे नेबर्स हैं वो, और अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हर एक के साथ। आपको लगता है कि कितना साल लग जाएंगे हमें आपस में दोस्ती करने में? देखिए ये तो चंद मिनटों की बात भी है और सदियाँ भी गुजर जाएँ तो इसमें आपको कम है, तो इट्स अप टू यू और आपके जो हुक्मरान हैं हमारे, ये उन पे डिपेंड करता है, हम लोग तो विलिंग है। अच्छा अगर आप कभी इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करेंगे? मैं बताऊं साउथ इंडिया, तमिलनाडु, साउथ देखेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। क्यों, पुष्पा की वजह से? नहीं, पुष्पा हां उसी की वजह से, उसी की वजह से। पुष्पा और रॉकी भाई, रॉकी भाई ये कौन है? नहीं नहीं, मुझे तो वैसे भी मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैंने देखा साउथ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अच्छा फिलहाल अगर हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जाएं, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आ रही क्रिकेट का, उनको कोई मैसेज भी दें कि हम पाकिस्तानी उनसे वॉर नहीं चाहते, वो आए उनको उतना बहुत उतना ही प्यार मिलेगा जितना हम उनसे करते हैं। हम तो सोच रहे थे कि अब उनको आना चाहिए, देखिए अब्रार भाई गए वहाँ पर और अब तो उनको आना चाहिए। लेकिन अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70 प्लस कंट्रीज जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप फर्निश उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी दें, मशीनरी दें, मशीनरी दें, हमें हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूम किया और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से करके हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो आपकी जो है स्टील मिल है कराची की। अब वो स्टील मिल का पर्पज़ ये था कि वो एक्चुअली उसने प्रॉफिट नहीं देना था आपको, उसका पर्पज़ ये था कि वो ऐसा हार्डवेयर प्रोड्यूस करेगी, ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करेगी जो दूसरी मिलों में एज अ टूल यूज़ होंगे या एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। हमने शुरू से ही उसके ऊपर भी ये देखना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ से कोई प्रॉफिट आए, वो एक्चुअली बनी ही नहीं थी प्रॉफिट के लिए, बनी थी रशिया के तावन से लेकिन वो प्रॉफिट के लिए, हमने उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं किया। अब वो आपकी एक स्ट्रेंथ होने की बजाय, लेवरेज होने की बजाय आपकी एक लाइबिलिटी बन चुकी है। अब वो आपकी स्टील मिल जो है वो आपको ही कॉस्ट कर रही है। किसी के अपने इंडियन, आपके इंडियन ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों का कल्चर, ट्रेडिशंस, कपड़े, खाने, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें, इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज वर्ल्ड 150 बिलियन से ज़्यादा हैं, और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाएं आप देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई या किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई नहीं है, सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। दोस्तों सभी ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के दोस्तों जो लोग हैं वो भी भारत आना चाहते हैं यार, लेकिन दोस्तों उन्हें भारतीय जो सरकार उन्हें वीज़ा नहीं दे रही। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि भारत इस इन जाहिलों को इसलिए वीज़ा नहीं देती क्योंकि ये लोग आएंगे दोस्तों तो वो पूरे भारत में टेररिज्म फैलाएंगे और आतंकवादी फैलाएंगे। आप सभी को पता होगा कि पहले जब इन्हें दोस्तों वीज़ा दे दिया जाता था वैसे ही, तो ये लोग दोस्तों पूरे आकर भारत में दोस्तों कहीं बमबारी बहुत कुछ दोस्तों ये लोग करते थे। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले दोस्तों पुलवामा हमला के बाद दोस्तों इन्हीं लोगों का दोस्तों हाथ है
कि ये लोग बम दोस्तों वहाँ से बॉर्डर से लेके आएँ और पूरे दोस्तों हमारे कितने जवान शहीद हो जाएं इन भिखारियों के चलते दोस्तों। तो भिखारियों को कभी भी दोस्तों परमिशन नहीं देनी चाहिए कि भारत में वो लोग आकर पहले आ जाते थे वही घूम कर गए हैं दोस्तों, तो यही लोग बस रहे हैं, फिर भी इन्हें इच्छा है कि हम भारत एक बार जरूर घूमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।